अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मीक्रा सईद। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि साइकोलॉजी की सैलरी क्या होती है और साइकोलॉजिस्ट कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं और दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट। ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट कि अगर हम पे की बात करें तो उनकी पे स्टार्ट होती है 10,000 से। ठीक है, और जिस तरह और ये कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, इन कॉलेज भी कोई हो सकता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक हो सकते हैं, और उसके अलावा अकेडमीज होती हैं। तो वहाँ पर अगर हम देखें या रिहैब सेंटर्स हैं तो वहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट के डिमांड में तो उनकी पे जो है वो 10,000 से शुरू होती है और 30,000 तक भी जाती है, 40 और 50, 60,000 तक भी जाती है। जबकि और एजुकेशन लेवल क्या होता है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपको 15 या 10 या 20,000 इतना करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने एमफिल किया है और आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा रहे हैं तो तब ऑब्वियसली आपकी पे जो है वो 40, 50 to 60 होगी। ठीक है, और इसका सिंपल प्रोसीजर क्या होता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू के बाद आपको हायर कर लिया जाता है। इसके बरअक्स अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आपके पास कॉलेजेस आ जाते हैं, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, जेल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ जहाँ साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसीज आती हैं। इसके अलावा भी बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं डिफरेंट, वो भी साइकोलॉजिस्ट की डिमांड्स करती हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट लेवल पे बात करें, प्राइवेट लेवल पे अगर हम देखें तो आपका 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है लेकिन आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट 15 से 20,000 देता है या 10,000 देता है अगर आपने रिसेंटली मास्टर्स किया है। उसके बरक्स अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपके पास हो तो आपके पास 17 ग्रेड की जॉब होती है और बैचलर्स पे 16 ग्रेड होता है। ठीक है, और 17 ग्रेड की जॉब अगर आप करते हैं तो वो पे स्टार्ट होती है 50,000 to 80,000 तक जाती है। लेकिन अगर आपने अगर एमफिल किया हो तो आपको 18 ग्रेड की जॉब मिलती है और 19 ग्रेड। ठीक है, अब साइकोलॉजिस्ट इन डोमेन्स के अलावा भी कौन सी ऐसी हायर पोजीशंस हैं जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की डिमांड है, उस पर भी मैं एक प्रॉपर और डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि 17 ग्रेड की आपको जॉब मिलती है, 16 की होती है या 18 ग्रेड की होती है, तो वहाँ पे आपके 50 to 80,000 आपकी पे होती है। अगर आपने एमफिल किया हो तो आपका पे रैंक 80,000 से भी प्लस हो जाता है। उसके अलावा आपको हेल्थ अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी होती है, तो ये बेनिफिट होते हैं गवर्नमेंट में। और उसके बाद आपको पता ही होगा पेंशन वगैरह जो दी जाती है। अब क्या होता है कि प्राइवेट में तो सिंपल इंटरव्यू लिया और आपकी हायरिंग हो गई। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। रिसेंटली अगर आप देखें तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो जॉब्स थी उस पे कई हज़ार फीमेल्स ने अप्लाई किया हुआ है। तो अब पास वही लोग होंगे जिन्होंने प्रॉपर प्रिपरेशन की होगी। गवर्नमेंट के जितने भी टेस्ट होते हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। प्रिपरेशन की जब आप करते हैं तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट के बाद आपका मेडिकल के बाद इंटरव्यू भी आप जब पास कर लेते हैं उसके बाद आपकी हायरिंग कंप्लीट होती है, तब आपका जॉब स्टार्ट होता है और उससे पहले आपको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो ये इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जेल डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इन सब डिपार्टमेंट्स में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस में या इन सब डिपार्टमेंट्स में साइकोलॉजिस्ट की जॉब्स होती हैं। जिस तरह बाकी सारी फील्ड्स की इंपॉर्टेंस है वैसे ही साइकोलॉजी की भी इंपॉर्टेंस है। जैसे बाकी फील्ड्स की पे होती है प्राइवेट में कम होती है, गवर्नमेंट में ज़्यादा होता है, सेम लाइक साइकोलॉजी की भी सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी का कोई स्कोप नहीं है। आप हॉस्पिटल जाएँ आपको साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे, आप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में जाएँ वहाँ पर आपको एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट में भी अब हायर कर रहे हैं, कुछ टाइम पहले जॉब्स आई हुई भी थी, बहुत से लोगों ने अप्लाई भी किया होगा और बहुत से लोग आने वाली जॉब्स की सर्च में भी होंगे।
तो इन जॉब्स के अलावा भी बहुत से गवर्नमेंट के ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल CSS है, PMS है, PMS है, NAP की जॉब्स होती हैं, तो हायर लेवल पे साइकोलॉजिस्ट की डिमांड है, हर जगह पे साइकोलॉजिस्ट की डिमांड है। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए थी जो कह रहे थे कि साइकोलॉजिस्ट की सैलरी कितनी होती है। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट भी है कि अगर आप अपना क्लिनिक भी बनाना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है कि डेली आपके पास कितने पेशेंट्स आ रहे हैं और आप एक पेशेंट से कितनी फी लेते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी पे या आपकी इनकम बनाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट का स्कोप नहीं है और इनकी जॉब नहीं है, हर लेवल पे जॉब्स आ रही हैं। अब तो बहुत से डिपार्टमेंट में साइकोलॉजी का, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सब जगह वो जो है वो साइकोलॉजिस्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। आपने सिर्फ ये करना है कि प्रिपरेशन करनी है, और लेक्चरर की जॉब की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए उसकी भी, उसकी उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी आपको मेरी वीडियोज़ में से मिल जाएगी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि साइकोलॉजिस्ट, ऐसा नहीं होता कि साइकोलॉजिस्ट की कोई डिमांड नहीं, और ना ही ऐसा है कि उनकी पे कम है। जिस तरह बाकी 17 ग्रेड्स की जॉब्स होती हैं और उनका हाई लेवल की पे उनको दी जाती है, वैसे ही साइकोलॉजिस्ट को भी हाई लेवल की पे दी जाती है। तो बेस्ट ऑफ लक उनके लिए जो BS क्लियर कर चुके हैं या जिन्होंने अभी स्टडी कंटिन्यू की है, और मेहनत करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, और इंशाल्लाह आप एक दिन ज़रूर एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।